आज हमारा रैंक पुशिंग का 13वां दिन एंड आज वाले मैच में जो तबाही मचाई है भाई साहब, 15 प्लस किल होने वाले हैं कोनकर लोबी में। एंड इस वाले मैच में एक अच्छा प्लेयर भी आ रखा था जो कि काफी बराबर की टक्कर देता है मुझे, मैं उसे मारता भी हूं, बट होता क्या आगे जाके वो आप देखना। सबसे पहले हम उतरते हैं, उतरते ही मुझे सामने की तरफ एक गन दिखती है, मैं गन उठाता हूं, मुझे साउंड आता है, मेरे बिल्कुल सामने बंदा, बंदे के पास थी एके, मेरे पास थी डीपी, फिर भी मैं बच गया किसी ना किसी तरीके से। बट अगर मैं यहीं पर थोड़ी देर और रुक जाता 2-4 सेकंड तो मॉन्स्टर ही मुझे मार देता। इस वजह से मैंने दिमाग लगाया, मैं भागा, मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, पहले दूर चलते हैं, तभी मैं देखता हूँ मॉन्स्टर अटैक करने वाला है, मैं पीछे हटता हूँ एंड यहाँ पर देखो भाई क्या बचाऊँ। अब सामने से एक और मॉन्स्टर मेरे को मारने के लिए आ रहा था, ऊपर एक और मॉन्स्टर था, तो मैंने सोचा अब फटाफट से हेल्थ लगाते हैं, भागते हैं अंदर की तरफ। एंड जिसको मैंने अभी मारा था उसका नाम था राठौर, एंड वो बंदा दोबारा से मेरे हाथों आएगा मरने के लिए, मुझे मारने आता है बट मैं ही उसे उल्टा मार देता हूं। सबसे पहले मॉन्स्टर वगैरह को मार के इधर खाली करते हैं, अब दोनों मॉन्स्टर्स को मैंने मार दिया था, अब इधर लूट करने का टाइम आ गया था, लूट करके इधर से मैं निकलने की सोचता हूँ। अब यहाँ पर मैं लूट वगैरह कर ही रहा था तभी मुझे हल्का सा साउंड आता है, कोई तो आया है, एंड यहाँ पर देखो फिर क्या होता है भाई साहब, ये वही राठौर था जो कि अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर मेरे हाथों मरा था, ये बदला लेने आया था बट फिर भी हमने इसे मार दिया। इस वाले बंदे को मारने के बाद थोड़ी लूट और करते हैं एंड इधर से निकलते हैं। अब लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद इधर से मैं निकल जाता हूँ जहाँ पर तूफान आ रखा था वहाँ की साइड, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बंदे मुझे मिलेंगे। तो मैंने सोचा ना सबसे पहले एक गाड़ी ढूंढते हैं, तो मैं सड़क जिधर जिधर जा रही थी सड़क के पीछे पीछे जाने लग जाता हूँ, एंड थोड़ी दूर जाने के बाद ही मुझे यहाँ पर एक बग्गी दिख जाती है, एंड जैसे ही मुझे बग्गी दिखती मैं बग्गी उठाता हूँ, तभी मुझे सामने की तरफ एक बंदा भी दिखता है। देखो सबसे पहले मैं आया, बग्गी उठाई, बग्गी उठाते ही मैं सोचता हूँ कि सीधा जाऊँ, तभी यहाँ पर एक पैराशूट खुलता है एंड बंदा बिल्कुल मेरे सामने कूदा था। मैंने सोचा चलो पुश कर देते हैं, अभी इसके पास ज़्यादा गन वगैरह या फिर वेस्ट हेलमेट होगी नहीं। अब जो बंदा मरा था उसका नाम था वुल्फ हैकर, एंड इस वाले बंदे को क्या ही मारा है, एंड ये बंदा मुझे गालियां दे रहा होगा, इसे उतरने का मौका भी नहीं दिया मैंने। एंड उसके बाद लूट वगैरह करने के बाद मैं इधर से निकलने की सोचता हूँ, अब जैसे ही आके मैं बग्गी पे बैठता हूँ मुझे बंदा दिख गया था, इसको मारा सामने एक और, इसको मारा, उसके बाद मैं बग्गी उठाता हूँ, इधर से निकलते हैं, 5 किल अपने हो गए थे। अब बंदों की तलाश में मैं तूफान वाली साइड में आता हूँ, एंड यहाँ पर आती मुझे हल्का सा साउंड आता है मेरे पीछे गाड़ी, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे पड़ने लग जाती है तभी। अब बंदे का स्प्रे काफी अच्छा था तो मैंने सोचा चलो इधर से निकलते हैं पहले कवर में, क्योंकि वो बंदा मेरे पे पुश करेगा, एंड तभी मुझे एक और बंदा दिखता है, देखो सबसे पहले मैं इसे मारता हूँ, तभी मुझे बग्गी का साउंड आता है, मैं बाहर निकलता हूँ मारने के लिए, बंदा सामने जाके रुक जाता है एंड मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं गाड़ी का टायर फोड़ने की कोशिश करता हूँ, अब बंदा मेरे को बिल्कुल भी अपना हेड दिखाता नहीं है, पता नहीं क्यों, हेल्थ मेरी कम थी, हेड वो नहीं दिखा रहा था। तभी मैं उस बंदे को एक प्रॉपर हेडशॉट मारता हूँ जो कि उसकी खोपड़ी तोड़ देता है, साउंड भी आया था, एंड उस बंदे ने भी मेरे को एक हेडशॉट मारा। मैंने सोचा सबसे पहले हेल्थ लगाते हैं, हेल्थ लगाने के बाद फिर से मैं इस बंदे से फाइट करने लग जाता हूँ। अब इस वाले बंदे के साथ काफी देर तक फाइट चलने वाली है तो पूरा देखना। अब मैंने सामने वाले बंदे को एक हेडशॉट कनेक्ट किया, उसने मुझे 2 हेडशॉट कनेक्ट किए, मेरी हेल्थ काफी डाउन हो गई थी, मैंने सोचा हेल्थ लगाते हैं फिर से फाइट करते हैं, एंड भाई साहब ये फाइट काफी देर तक चली है। अब ये पूरी फाइट इस वजह से दिखा रहा हूं, सबसे मेन चीज है बंदे का नाम याद रखना, ठीक है ना।
एंड फाइनली बंदे को मार देते हैं जिसका नाम था ब्लैक लैपर्ड। अब इस वाले बंदे का नाम इस वजह से याद रखना क्योंकि मेरे हिसाब से ये टीम अप करके खेल रहा था जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आगे जाके मेरी दोबारा से इस बंदे से फाइट होती है। हालांकि मैं इसके टीममेट वाले बंदे को मार देता हूं। अब होता क्या सीन है, आप देख के बताना ये टीम अप करके खेल रहा था या नहीं, ठीक है ना। आप यहां पर इसका नाम देख लो, ब्लैक लैपर्ड नाम है। एंड अभी टाइम था मेरे पास भी 8 मिनट थे, मेरे पास जो कीड़ा पड़ा है आप देख सकते हो बैग के अंदर, 8 मिनट अभी पड़े हैं, तो आराम से मैं लूट करता हूं, इधर से निकलता हूं और बंदों को ढूंढने के लिए। 7 किल अपने हो गए थे। अब बंदों की तलाश में मैं दोबारा से तूफान के अंदर आता हूं। सामने ड्रॉप था एंड यहीं पर रास्ते में मुझे एक बंदा दिख जाता है, जिसे देखने के बाद मैं गाड़ी घुमाने की कोशिश करता हूं, गाड़ी फंस जाती है। बंदा चाहता तो मुझे मार सकता था बट वो फायरिंग क्यों नहीं करता, नो आइडिया, शायद वो डर रहा था किसी और से फाइट कर रहा था ये। इस वाले बंदे को मारने के बाद मेरे को एक हेडशॉट कनेक्ट करता है कोई दूर से स्नाइपर का, बट मैं बच जाता हूँ। तभी यहाँ पर एक बंदा कूदता हुआ दिखता है, तो मैं सोचता हूँ चलो इससे बातचीत कर लेंगे, बट यहाँ पर तूफान था, यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा होने वाले थे मुझे पता था, तो इस वजह से मैं रुकता नहीं हूँ, बट मैं चाहता था कि मैं इस वाले सब्सक्राइबर से बात करूं, तो इस वजह से यहाँ पर मैं उसको कूद के दिखा देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ जाए तो मैं उससे बातचीत कर लूँ। एंड कूद के दिखाने के बाद इधर से मैं गाड़ी गोल गोल घुमाने लग जाता हूँ, तभी देखो क्या होता है। पहले मैं सोचता हूँ कि बंदे को बिठा लूँ, तभी मुझे गाड़ी का साउंड आता है, मैं पीछे आता हूँ दोबारा से। बंदा मुझे देख के लेट जाता है, बट इस वाले बंदे को हम आराम से मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मैं एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगाता हूँ एंड इधर से निकल जाता हूँ अपने सब्सक्राइबर के तरफ। एंड तभी मुझे यूजी चलने का साउंड आता है, एक बंदा मरता भी है, तो मैं समझ जाता हूँ शायद अपने सब्सक्राइबर को किसी ने मार दिया। तभी मुझे दोबारा साउंड आता है, मुझे बंदा भी दिखता है। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, अब जैसे ही मैं हल्का सा फायर करता हूं बंदा कूद रहा था, मेरा फायर हो चुका था, जब तक मैं रुकता तब तक बंदा मर जाता है और मुझे काफी बुरा लग रहा था। मैं गाड़ी उठाता हूं, सबसे पहले मैं जाता हूं कवर में माफी मांगने के लिए अपने सब्सक्राइबर से, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था वो अपना सब्सक्राइबर है, मैंने फायर कर दिया था इस वजह से। यहां पर मैं उसे दिखाना चाहता था, अगर वो स्पेक्टेट कर रहा है तो माफी मांगना चाहता था कि भाई मुझे पता ही नहीं चला तुम सब्सक्राइबर हो, नहीं तो मैं मारता ही नहीं, मारना होता तो मैं पहले ही मार देता। बट जब यूज ही चली मुझे लगा शायद सब्सक्राइबर को किसी ने मार दिया, एंड उसके बाद जाके देखता हूँ दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सब्सक्राइबर कौन है और एनिमी कौन है। तो उसके बाद मैं इधर से निकल जाता हूँ, गाड़ी घुमाने लग जाता हूँ ताकि कोई और हमें मिले। तभी यहाँ पर बोट फायरिंग का साउंड आता है मुझे, क्योंकि अभी जोन काफ़ी बड़ा था एंड यहाँ पर बोट इसलिए ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि तूफान वाला एरिया था। यहाँ पर कम से कम नहीं तो 30 से 40 बंदे उतरे थे, टेम्पल भी इसी एरिए में था एंड तूफान भी इसी एरिए में था, तो इसी वजह से बोट यहाँ पर ज़्यादा आ रखे थे। अभी भी 30 बंदे बचे हुए थे। अब यहाँ पर मुझे ऊपर की साइड घरों में एक बंदा दिखता है, जिस बंदे के साथ मैं फाइट करना चाहता था, जिसे मैं देख रहा था। बंदा मुझे दिख जाता है बट मैं घुसू या ना घुसू ये सोच रहा था। मैं गाड़ी गोल गोल घुमाने लग जाता हूं ताकि मुझे और कोई बंदा भी दिखे। अब जैसे ही मैं गाड़ी गोल घुमा के दोबारा इधर की साइड आता हूं, मुझे एक बंदा दिखता है जो कि अटका हुआ था पता नहीं कैसे। अब इसका लैग हो रहा था या फिर क्या था, नो आइडिया। तभी ये बंदा मेरे पे पुश कर देता है एंड इस वाले बंदे को हम आराम से मारते हैं एंड गाड़ी उठा के सीधा मैं निकल जाता हूं ताकि मुझे कोई और ना मार दे। एचपी वैसे ही कम थी एंड इधर से मैं निकल जाता हूं दूसरी तरफ। अब एचपी मेरी काफी कम थी, मैंने सोचा एक अच्छी सी लोकेशन पे जाके आराम से हील करता हूं एंड तभी देखो क्या होता है, यहां पर मैं हील करने लग जाता हूं। अब हीलिंग वगैरह करने के बाद इधर से मैं निकलने की सोच ही रहा था, जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं तभी मुझे बोट फायरिंग का साउंड आता है एंड जैसे ही बोट फायरिंग सुनता हूं मैं दोबारा से घुमा लेता हूं पीछे की तरफ। मैं समझ गया था ये बोट तो नहीं है, बट तभी ये बंदा कूद रहा था एंड ये अपना सब्सक्राइबर होता है, इसके साथ मैं बातचीत करने लग जाता हूं एंड मैं इससे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूं कि भाई साहब तुझे पता कैसे चला मैं आगे हूं। सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर बंदा आया, मैंने सोचा, मैंने इसे पहली बात यही बोली कि भाई कवर में चलते हैं, कवर में जाके बात करते हैं, इसे मैं गाड़ी में बिठाता हूं एंड ले जाता हूं कवर में। अब गाड़ी को कवर में ले आया था मैं, बंदे को भी कवर में ले आया था। अब सुनो, मैं बंदे से यह पूछता हूं कि भाई तुम्हें पता कैसे चला आगे की तरफ मैं था। ब्रो मैं आपकी बहुत, अरे ब्रो मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने अपने दोस्त के साथ मैचिंग की थी ना, तो बंदा टीम अप करके खेल रहा था ये भी, तो वो अभी आपका गेम देख के मैं यहाँ आया। तो इस वाले बंदे के टीममेट को मैं मार चुका था, वो मुझे स्पेक्टेट कर रहा था एंड उसने इसे बताया था कि पारस कहाँ पर है एंड ये वहीं पर आ गया कूदने के लिए। एंड तभी मैं बंदे को बोलता हूँ कि मैं एक बंदे के साथ फाइट करना चाहता हूँ, मैं उससे फाइट करने जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको, अगर मैं बचा तो मैं वापिस जरूर आऊंगा। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर को छोड़ के मैं उसी बिल्डिंग वाले बंदे के पास जाता हूँ जिसको मैं काफी देर से मारने की सोच रहा था।
अब जैसे ही मैं बिल्डिंग के पास पहुंचता हूं, मैं देखने की कोशिश करता हूं बंदा अगर छत पे दिखे तो मैं फाइट करूंगा। अब जैसे ही मैं थोड़ी दूर जाता हूं, मुझे बंदा हल्का सा छत पे दिखता है तो मैं गाड़ी को गोल घुमाता हूं एंड बंदे पे सीधा पुश कर देता हूं। अब बंदा मुझे लगा क्यों टीम अप करके खेल रहा है आप देखना, वो बंदा काफी देर से छत पे है एंड उसी के सामने वाली बिल्डिंग पे बंदा है, बट ये आपस में नहीं लड़ रहे। देखो वो बोट फायरिंग कर रहा है और जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा मुझे पड़ने लग जाएगी, देखना मैं आया ऊपर हल्का सा डैमेज दिया बंदे पे, पुश कर देता हूं सीधा। सामने वाला बंदा इस बंदे को नहीं मार रहा था जिसका नाम था पंजाब, ठीक है। अब वो बंदा सिर्फ मुझे मार रहा था, वो भी तो इसे दिख रहा था ना, बट उसे क्यों नहीं मार रहा था नो आइडिया। देखो सामने खिड़की के पास है जहां पर वो मार सकता था इजीली। अब मुझे लगा वो दूसरी खिड़की पे है बट वो भाग के किसी और खिड़की पे चला गया एंड जैसे मैं हील लगाता हूं वो फिर से उसी खिड़की पे आ जाता है। अब इस बंदे को मैं काफी डैमेज देता हूं, उसने भी मुझे काफी डैमेज दिया था। अब गड़बड़ क्या हो गई, मेरे पास हील नहीं थी और हीलिंग ढूंढने लग जाता हूं मैं एंड काफी देर तक मैं इस वाले बंदे के साथ फाइट करता हूं, बट ये बंदा पुश ही नहीं कर रहा था मेरे पे तो मुझे ही इस पे पुश करना पड़ता है, इतनी मतलब आगे वाली बिल्डिंग पे है वो। अब काफी देर तक हम दोनों की फाइट चलती है बट वो बंदा पुश ही नहीं कर रहा था मेरे पे, मैं उस पे पुश करने की काफी कोशिश करता हूं, एंड में मैं पुश कर ही देता हूं एंड देखो क्या होता है यहां पर। मुझे नहीं लगा था कि बंदा पुश करेगा, देखना। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई आपने देखा, यहां पर वो बंदा पुश ही नहीं कर रहा था तो मैंने यही सोचा कि इतनी देर से वो पुश नहीं कर रहा तो वो अगर गेट के पीछे है तो वो पुश करेगा ही नहीं, है ना। तो मैं गेट को मारने लग गया और वो बंदा एकदम से निकल के मेरे को मारने लग गया, हाफ एचपी मेरी चली गई और उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही। अब यहां पर गड़बड़ यही हुई, मुझे लगा था वो पुश नहीं करेगा बट उसने पुश कर दिया। अब इस बंदे का नाम आप देखोगे तो ब्लैक लेपर्ड नाम है जिसको मैंने पहले मारा था। अब बंदे ने दिमाग अच्छा लगाया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खेला। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, 14 किल अपने हो गए थे एंड काफी अच्छा मैच गया एंड इसको मैं मार देता बट मैंने इसे हल्के में ले लिया, मुझे लगा नहीं था पुश करेगा बट ठीक है दिमाग लगाया बंदे ने भी, होता रहता है गेम में, हर बार आप ही सबको मारो ऐसा भी नहीं होता ना, कभी ना कभी तो मरोगे ना गेम में, तो यही मेरे साथ इस वाले मैच में हुआ। बाकी अच्छा खेला बंदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।